Good morning students. Today our topic is India, climate, vegetation and wildlife. Chapter number 8 from geography class 6. तो आज हम पढ़ते हैं natural vegetation. Small plants को कहते हैं bushes and shrubs. जैसे cactus को. देखिए grass, shrubs और जो trees होते हैं, अगर humans beings उनको ना उगाएं, naturally वो उग जाते हैं. उनको कहते हैं natural vegetation. Natural vegetation depend करता है climatic condition, specially rainfall पर. तो आप पढ़ते हैं why are forests necessary, कि forest हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्यों हैं. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये बहुत काम करते हैं. जैसे हमें ऑक्सीजन इन्हीं से मिलती है, जो हम सांस छोड़ते हैं वो ये ऑब्जर्व करते हैं. पेड़ की जड़ें मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो. ये इनमें इनसे हमें टिम्बर मिलता है फर्नीचर बनाने के लिए, और ये हमें फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, श्रब्स एंड हर्बस, लेस, हनी, गम, ये सब कुछ मिलता है फॉरेस्ट से. हम वन उत्सव भी मनाते हैं ताकि पेड़ों को बचाया जा सके, इसीलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए. अब पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, अलग अलग स्पेसीज रहते हैं, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, ये सब हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं. टाइगर जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, ये हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कर्नाटका, और जो एसेटिक लाइन है वो गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. एलिफेंट्स, वन हॉर्नर रेनोसोर्स आसाम में पाए जाते हैं. एलिफेंट्स कर्नाटका और केरला में पाए जाते हैं. कैमल एंड एसिस ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिलते हैं, और रन ऑफ कच्छ में ज़्यादा मिलते हैं. वाइल्ड गोट्स, स्नो लीपर्ड हिमालयस में मिलते हैं. बाकी हिस्सों में मंकीस, वोल्फ, जैकाल, नीलगाय, चीता, ये सब जंगलों में मिलते हैं. इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा है हमारे देश में. हमारी कंट्री का नेशनल बर्ड है पीकॉक. दूसरे तरह की बर्ड्स जो हैं वो भी ये यहाँ पाई जाती हैं, जैसे पैरट्स, पिजन, मैना, गेस, बुलबुल एंड डक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.